हमने दूसरी जो टीम्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं फॉरएवर के नाम के ऊपर, वो जब अपनी प्रेजेंटेशंस में प्रॉस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं तो वो बेसिकली वहां पर झूठ बोलते हैं, हमने ये देखा है। अब वो उनसे गलत तरीके से कमिटमेंट्स करते हैं और जो चीज़ें उनकी प्रेजेंटेशंस में दिखाई जाती हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें दिखा के लोगों को लालच देके इनवाइट किया जाता है कि हमारे बिजनेस में आए और हमें ज्वाइन करें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली किसी को लालच देकर इनवाइट करना वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि ये अलाउड नहीं है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि लोगों को बिजनेस में, अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए इस तरह अगर कोई कर रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो मसला ही यही है, इस्लामिक रूल जो उलमा ने बताए हैं वो यही ने बताया है कि यहाँ पर आकर आपने झूठ नहीं बोलना या किसी शख्स को धोखा नहीं देना। तो अगर आप किसी को ये बताएंगे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, आप भी आकर कमा सकते हैं, मे भी कि वो ना कमा सके, लेकिन आपने उससे झूठ बोल दिया, उसके माइंड में आपने एक हालत डाल दी, और वो जब आएगा तो उससे वो चीज़ अगर अचीव ना हो तो समझो कि उससे आपने धोखा किया है। तो इस्लाम कभी भी किसी भी चीज की ऐसी इजाज़त नहीं देता जिससे अगले शख्स का नुकसान हो। हमारा जो मेन मकसद है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो मेन मकसद है वो है एडवर्टाइजिंग करना, और वो एडवर्टाइजिंग पैसे की नहीं करना, पैसे की एडवर्टाइजिंग करना ये मना है, बल्कि एडवर्टाइजिंग जो आपने करनी है वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की करनी है। तो असल जो मकसद है वो चीज़ आप उनको पहुंचाएं। अगर आप हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला को देखें तो 2020 की रिसर्च के मुताबिक 606 बिलियन US डॉलर उनकी मालियत थी जब वो इंतकाल कर गए। तो उन्होंने पैसे को भाग लिया, लेकिन उनके जो पहली जो चीज थी, जो वो चीजें दे रहे थे, उन चीजों में वो बिल्कुल ठीक थे। अल्लाह पर तवक्कुल था, अपने ऊपर एतमाद था कि हम ये कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो चीज मार्केट में लेकर आए हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लेकर आए हैं, उसमें कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कभी यही मकसद है कि जो चीज आपने एडवर्टाइज करनी है वो आपने पैसा एडवर्टाइजिंग नहीं करना। दूसरे जो भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत है, ना इसकी इस्लाम इजाजत देता है ना अखलाकियात इसकी इजाजत देता है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो तब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी और मुल्क में जाएं जहां पर गैर मुस्लिम है तो वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देते। इस्लाम तो है लेकिन इंसानी चीजों का इजाजत नहीं देगी, आप किसी को धोखा दें किसी को लालच दें। यहाँ पर मैं एक चीज और भी ऐड करूंगी कि इन प्रेजेंटेशंस में एक जो लीडर होता है जो प्रेजेंट कर रहा होता है वो अगर ये तो बता रहा है कि वो इतने लाख कमा रहा है, वो एक सर्टेन मकाम पे पहुंच गया है, लेकिन अगर वो ये नहीं बता रहा कि वो वहां पहुंचा किस तरह है, वो सिर्फ आपको एक लालच दे रहा है कि भाई मुझे फॉरएवर को ज्वाइन कर लो तो तुम भी यहाँ पहुंच जाओगे, तो अगर वो तरीका नहीं बता रहा, वो प्रोसेस नहीं बता रहा कि एक ट्रू लीडर वो होता है जो अपने टीम को सिखाता है कि मैं इस प्रोसेस से यहाँ पहुंचा हूँ तो तुम लोग भी ये सीख कर इस लेवल तक पहुंच सकते हो, यानी कि वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा होता है, वो अपनी टीम को स्किल्स सिखा रहा होता है। तो अगर जहां पर एक इंसान सिर्फ अपनी एक शो ऑफ कर रहा है, इसका मतलब है एक रेड फ्लैग है, हमें समझ जाना चाहिए कि वो इंसान यकीनन वहां या तो शॉर्टकट से पहुंचा है या कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ है।